नमस्कार, आइए बात करते हैं राज्य की तमाम बड़ी खबरों की। वहीं आज राजस्थान में होंगे बड़े बदलाव, किसानों के लिए भी बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, बने रहिएगा अंत तक। राजस्थान में 25 जून को तय समय पर मानसून ने दस्तक दे दिया है। प्रदेश में कोटा उदयपुर संभाग से मानसून आगे बढ़ा। मानसून की दस्तक से प्रदेश में आसमान से रात की बूंदे बरस रही है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। इन सभी जिलों में मेघ गर्जन, तेज हवा के साथ वज्रपात की संभावना है। वहीं अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट के साथ मेघ गर्जन, तेज हवा, बारिश की संभावना है। मानसून की दस्तक के बाद से गुलाबी नगरी का मौसम गुलाबी हो गया है। जयपुर में आमेर की सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। आमेर में पिछले 1.5 घंटे से ज्यादा समय से बरसात हो रही है। दूसरी तरफ राज्य में जोधपुर संभाग में कहीं कहीं उष्ण लहरें दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक अधिक तापमान जैसलमेर में 45.4 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान बीकानेर में 33.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिले के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाश से बिजली और हवा चलने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, टोंक, धौलपुर आदि जिले के कुछ स्थानों के लिए मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना जताई है। राजधानी में मानसून के प्रवेश से पहले आज बगरू कस्बे सहित आसपास के गांवों में जमकर बारिश हुई। मानसून के मंगल प्रवेश का असर आज राजधानी के ग्रामीण इलाके में देखने को मिला। राजधानी के बगरू कस्बे सहित आसपास के गांवों में दोपहर के बाद जमकर बरसे मेघ। करीब 45 मिनट तक तेज बारिश का दौर चलता रहा, साथ ही बारिश नालों में तेज बहाव देखा गया। सड़कों पर पानी भरने से सबसे ज्यादा परेशानी दुपहिया वाहन चालकों को हुई। सिरोही जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में जमाझम बारिश का दौर अचानक शुरू हो गया। सुबह से ही तेज धूप व गर्मी के बाद अचानक दोपहर होते होते मौसम में बदलाव आया और दोपहर होते होते जमाझम तेज मूसलधार बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश के चलते मौसम पूरी तरह से ठंडा हो गया है और लोगों को भीषण गर्मी पर उमस से राहत मिल रही है। वहीं बारिश के कारण किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। करीब 1.5 घंटे हुई तेज मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर भी कई जगह पानी भर गया। पहली बारिश के चलते कई लोगों ने बारिश में नहाने का भी मजा लिया। राजधानी जयपुर के चौमू उपखंड क्षेत्र में बुधवार दोपहर अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। आसमान में काली घटाएं छाने से अंधेरा हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। यह बारिश का दौर करीब 20 मिनट तक जारी रहा। इस भीषण गर्मी के दौर में यह इस मानसून की दूसरी बारिश आने के साथ ही लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कोटा में कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज होने को लेकर सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। पायलट ने कहा कि राजस्थान में बिजली और पानी की स्थिति बेहद खराब है और इन हालातों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाएं देने में सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। पायलट ने कोटा में हुई कार्रवाई को शर्मनाक बताया और कहा कि एक राजनीतिक पार्टी ने परमिशन लेकर बिजली और पानी की समस्या के खिलाफ आंदोलन किया था, इसके बावजूद जनता को राहत देने के बजाय कांग्रेस ने नेताओं पर FIR कर दी। पायलट ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख और नेता प्रतिपक्ष पर दर्ज FIR को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे हमने उठाए थे उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था और जन सुविधाएं मुहैया कराने का काम करना चाहिए था। पायलट ने कहा, सुविधाएं देने के बजाय सरकार राजनेताओं पर कार्रवाई कर रही है, ऐसा माहौल पहले कभी नहीं रहा और यह होना भी नहीं चाहिए था। सरकार का काम करने का तरीका सवालों के घेरे में है। पायलट ने इन बयानों को लेकर सरकार पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। ट्रेन में यात्रा के दौरान यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो अब यात्रा पूरे होने तक डॉक्टर का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। ट्रेन के अंदर ही रेलवे प्रशासन द्वारा डॉक्टर भिजवाकर मरीज की मदद की जाती है। ट्रेन के टॉयलेट में यदि पानी नहीं आ रहा हो या AC काम नहीं करे तो ऐसी शिकायतों का मैच 35 मिनट में समाधान होता है। दरअसल अब रेलवे ने यात्रियों की शिकायतों को प्राथमिकता से लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए बाकायदा रेल मदद पोर्टल बनाया गया है। यात्री अपनी यात्रा के दौरान परेशान होकर मोबाइल ऐप, वेबसाइट पर SMS के जरिए 139 हेल्पलाइन पर फोन करके, ईमेल के जरिए या फिर सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इन सभी माध्यमों से रेल मदद पोर्टल पर शिकायतों को एकीकृत कर यात्रियों की मदद की जा रही है। सभी शिकायत एक ही जगह पर रेल मदद पोर्टल पर प्राप्त होने से यात्रियों की शिकायतें और समस्याओं के समाधान में तेजी आई है। इन शिकायतों के दर्ज होते ही रेलवे पोर्टल से संबंधित डिवीजन के अधिकारियों को और फील्ड स्टाफ तक शिकायत पहुंचती है, जिसका जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास किया जाता है। रेलवे प्रशासन अब यात्रियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए वॉर रूम बनाकर भी कार्य कर रहा है। दरअसल रेलवे प्रशासन ने जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर चारों मंडलों में यात्रियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए वॉर रूम बनाए हैं। शिकायत प्राप्त होते ही उसके तुरंत समाधान के लिए कयाद की जा रही है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शीशकरण ने बताया कि पिछले दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के दौरान यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता में रखने के लिए कहा है। इस दौरान रेल मदद पोर्टल की समीक्षा की गई है और वैष्णव ने पोर्टल की सभी शिकायतों के समृद्ध निस्तारण के निर्देश दिए हैं। इसलिए उत्तर पश्चिमी रेलवे में इन शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जा रहा है। राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत की रणनीति में व्यस्त हैं। इन सीटों पर मुख्य मुकाबला BJP और कांग्रेस के बीच माना
माना जा रहा था, लेकिन बसपा के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद अब मुकाबला और रोचक हो गया है। लखनऊ में हुई एक बैठक के बाद बसपा ने प्रदेश की सभी 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा है कि बसपा ने सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि 23 जून को लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें देश भर के सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि पार्टी पूरे देश में होने वाले उपचुनावों में हिस्सा लेगी। इसके तहत राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में बसपा भाग लेगी, साथ ही आने वाले निकाय चुनाव में भी बसपा अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। साथियों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। यह वीडियो आपका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।